Mashallah. Mashallah. तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। हाय फ्रेंड्स, हेलो टू एवरीवन, और ये है हमारा सीडीपी का पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने डिस्कस किया था विकास यानी डेवलपमेंट के बारे में, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बाल विकास के सिद्धांत यानी जो बच्चों का विकास है उसके क्या क्या सिद्धांत है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो पहला पॉइंट है हमारा कि मानव विकास का अध्ययन, जो मानव विकास का अध्ययन है वो मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। तो बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं? जिस शाखा के अंतर्गत मानव विकास का अध्ययन किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट, ये कथन दिया हुआ है, देखिए जो भी कथन लिखे हैं, जो रिपीटेड कथन है और मोस्ट इंपोर्टेंट वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं, सो इनको बहुत अच्छे से करना आप। कि क्रो और क्रो ने कहा था कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोर अवस्था तक करता है। तो किसने कहा था कि गर्भकाल से किशोर अवस्था तक बालकों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान करता है? तो किसने कहा था ये? क्रो एंड क्रो ने कहा था। नेक्स्ट आता है कि बाल विकास की प्रवृत्ति, जो बाल विकास है हमारा उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है? तो मानव व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल विकास विषय में कई विशिष्ट उपागम और विचार पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो मानव का व्यवहार है उसके अध्ययन के लिए जो बाल विकास है उसमें कई विशिष्ट प्रकार के उपागम और जो विचार पद्धति है उनका प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला आता है हमारा प्रयोगात्मक उपागम। आप नाम से ही देख रहे हो प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना। तो बाल विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य कारण संबंधी यानी क्या कारण था उसका और क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है इसके बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है वो हमारा क्या होता है? प्रयोगात्मक उपागम होता है। नेक्स्ट है कि देहिक उपागम। देहिक देखिए शरीर से जुड़ा हुआ है, शारीरिक है ये, तो बाल विकास को देहिक शास्त्र ज्ञान के द्वारा भी समझा जा सकता है क्योंकि जैविक आत्मा और मानसिक आत्मा, देखिए जो हमारी जैविक आत्मा है और जो मानसिक आत्मा है वो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से क्या होती है? संबंधित होती है। थर्ड आता है हमारा विकासात्मक उपागम यानी विकासात्मक उपागम है। इसमें क्या किया जाता है कि विकास की मात्रा की गति और विकास की विशेषताओं, जो विकास है उसकी मात्रा की गति और विकास की जो विशेषताएं हैं उसकी जानकारी दी जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत संबंधी उपागम यानी हर जो इंसान है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है तो उसके संबंधित उपागम को अपना कर। नेक्स्ट आता है कि एक विशिष्ट अध्ययन प्रणाली के रूप में बाल विकास, एक विशिष्ट अध्ययन प्रणाली, देखिए स्पेशल अध्ययन प्रणाली के रूप में बाल विकास। तो बाल विकास की अवधारणा की विकासात्मक प्रकृति वाली समस्याओं का अध्ययन दो प्रणालियों के द्वारा किया जाता है। इसमें दो प्रणालियां होती है हमारी, पहली होती है हमारी समकालीन अध्ययन और दूसरी होती है दीर्घकालीन अध्ययन। आगे हम वीडियो में इसके बारे में काफी अच्छे से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बाल विकास के सिद्धांत। तो देखिए गैरिसन ने कहा था, इससे पहले हमने क्रो एंड क्रो की स्टेटमेंट पढ़ी है और ये आती है हमारी गैरिसन की स्टेटमेंट है और ये भी रिपीटेड है एग्जाम में कि जब बालक विकास की एक अवस्था में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो ये किसने कहा था? गैरिसन ने कहा था। अभी बाल विकास के सिद्धांत में आता है निरंतर विकास का सिद्धांत। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है हमारी वो अविराम यानी लगातार चलती रहती है, कभी तेज तो कभी धीमे धीमे चलती है। विकास की विभिन्नता गति का सिद्धांत यानी जो व्यक्ति जन्म, देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जिनके पेरेंट्स लंबे होते हैं वो बच्चे भी लंबे होते हैं, यानी जो बच्चे जन्म के इसमें ही लंबा रहता है वह साधारणतः बड़ा होता है, जो ठिगना रहता है वो क्या रहता है? वो साधारणतः छोटा ही रहता है। नेक्स्ट है विकास कर्म का सिद्धांत। जो हमारा एक विकास है वो पर्टिकुलर कर्म में चलता है, यानी जन्म के इसमें बच्चा रोता ही है, फिर धीरे धीरे वो क्या करना चाहता है? अपनी बॉडी को हिलाना शुरू करता है, फिर क्या करता है? हर जो ऑर्गन, जो हमारे इवन हर पर्टिकुलर चीज है उसको हिलाना शुरू करता है, क्रॉलिंग करना स्टार्ट करता है, फिर चलना स्टार्ट करता है, फिर बोलना स्टार्ट करता है। तो ये हमारा विकास के क्रम का सिद्धांत है। नेक्स्ट है कि विकास दिशा का सिद्धांत। देखिए विकास एक दिशा में होता है और इसको सिरस्थ बोला जाता है, यानी सर से पैर की दिशा में हमारा विकास होता है। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एकीकरण के सिद्धांत में आता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, वो पूरे हैंड को रोटेट करता है, देन अपनी फिंगर्स को रोटेट करना वो
स्टार्ट करता है। और ये परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी जो हमारे विकास होते हैं, जैसे हमारा शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, सॉरी फ्रेंड्स, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आपस में, तो ये हमारे परस्पर संबंध के सिद्धांत में आते हैं। और आता है व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है, देखिए आप देखेंगे कि जो हर इंसान है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसका डेवलपमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो ऐसे हम ले सकते हैं कि जो गर्ल्स होती है हमारी, उनमें ग्रोथ एज कंपेरिजन टू बॉयज जल्दी होती है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। फिर आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, देखिए जो मानव का बच्चा है वो मानव की तरह बढ़ता है, एनिमल्स का एनिमल्स की तरह बढ़ता है, चाहे प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। और ये क्या होता है, हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत है। नेक्स्ट है कि बाल अध्ययन की विधियां, जो बच्चों का अध्ययन किया जाता है उसकी विधियां कौन कौन सी है। पहली है हमारी क्रमबद्ध चित्र लेखन विधि, और इस विधि में क्या किया जाता है, देखिए इस विधि के द्वारा बालक के विकास की विस्तृत तस्वीर प्राप्त होती है, यानी हम बच्चे को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, उसकी हर चीज की पिक्चर्स ली जाती है, और चित्र लेखन विधि के द्वारा बालक के संबंध में क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त होती है, यानी एक स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन हमें चाइल्ड के बारे में मिलती है। नेक्स्ट आता है निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं इसको, तो इस विधि का उपयोग छोटे बच्चों और शिशुओं की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो निरीक्षण विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जो छोटे बच्चे हैं और जो फिर शिशु हैं उनकी अध्ययन के लिए किया जाता है, और समस्या से संबंधित व्यवहारों के निरीक्षण को नोट करने के पश्चात अध्ययनकर्ता निरीक्षणों का सबसे पहले जो जो प्रॉब्लम्स है उसमें उसको नोट किया जाता है, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि क्या होती है, देखिए बालकों के प्रेरणा, परिपक्व अवस्था, अधिगम और अनुभव विभेदीकरण तथा संवेगात्मक अनुक्रियाम आदि से जो भी संबंधित समस्याओं का अध्ययन होता है वो इस विधि के द्वारा किया जाता है। अन्य विधियों की अपेक्षा ये सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि है, और इसमें क्या होता है, विश्वसनीय है, वैध है और सार्वभौमिक भी होती है। नेक्स्ट है विकासात्मक तकनीकी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, विकासात्मक तकनीकी की दो विधियां, एक हमारी समकालीन है और दूसरी क्या है, हमारी दीर्घकालीन है। तो सबसे पढ़ेंगे समकालीन क्या है, तो देखिए इस विधि में क्या होता है कि बालकों का अध्ययन करके पता लगाया जाता है कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जो कि बच्चे के समायोजन में बाधा डालती है। क्या पता लगाया जाता है समकालीन विधि में, कि बालकों का अध्ययन करके पता लगाया जाता है कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि जो बच्चा है हमारा उसके अध्ययन में बाधा डाल रही है, उसके समायोजन में बाधा डाल रही है। और जब विकास की विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में कुछ योग्यता होगा, जो हर स्टेज होती है उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो एबिलिटीज होती है, जो हमारी योग्यता होती है, उसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी दीर्घकालीन विधि, तो दीर्घकालीन विधि क्या है, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, एक ही एज ग्रुप के बच्चों को लिया जाता है। मान लो मैंने 2 to 5 ईयर्स के चाइल्ड के लिए, तो सेम एज ग्रुप हो गया ना ये, तो एक ही एज ग्रुप के चाइल्ड को लिया गया, देन समूह के बालकों की जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, उनकी जो मेंटल एबिलिटी है, जो उनकी फिजिकल कैपेसिटी है, और जो उनमें मैच्योरिटी वगैरह आती है, इन सब का निरीक्षण और मापन किया जाता है। और ये किसमें किया जाता है, हमारा दीर्घकालीन विधि में किया जाता है। नेक्स्ट आता है साक्षात्कार विधि, तो ये इंटरव्यू में दी है विधि है, इसे आप सभी बहुत अच्छे से परिचित है। प्रश्नावली विधि, इससे क्या किया जाता है कि हमसे हमारे बारे में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और उससे नेक्स्ट आता है परीक्षण विधियां और मनोमति विधियां, यानी परीक्षण विधि क्या है हमारी और मनोमति विधि क्या है। तो देखिये मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक उपकरण है जिसे मानव व्यवहार के किसी पक्ष के मापन और गणना के लिए तैयार किया जाता है। उसे नेक्स्ट आता है हमारा व्यक्तिगत विधि, इसमें क्या होती है, इसमें पर्टिकुलर एक पर्सन को लिया जाता है, और फिर उसका क्या किया जाता है, कंप्लीटली ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है, उसको समझा जाता है, ये क्या होता है हमारा व्यक्तिगत विधि होती है। नेक्स्ट है हमारी समाज विधि, तो समाज विधि यानी इसमें क्या है कि एक समूह के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली स्वीकृति, अस्वीकृति, आकर्षण और विकर्षण को मापा जाता है, यानी एक ग्रुप है उनके बीच में क्या वो स्वीकार करते हैं, क्या अस्वीकार करते हैं, क्या अट्रैक्शन है, क्या रिपल्सन है, इन सबको बहुत अच्छे से मापा जाता है। और इसके द्वारा क्या होता है कि एक ग्रुप के जो बच्चे हैं उसके जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, जो परस्पर संबंध होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत, किसने कहा था, स्कीनर ने कहा था। स्कीनर ने क्या कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत है। नेक्स्ट है कि प्रमापीकरण,
ये देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन ये। प्रमापीकृत परीक्षण प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा जो प्रमापीकृत हमारा परीक्षण है वो किस लिए किया जाता है, तो ये प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनकी पहचान के लिए किया जाता है। और इसमें क्या होता है, पठन परीक्षण देने के लिए पांचवी कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना होता है। संश्लेषण का उदाहरण क्या होता है, प्रमेय सिद्ध करना, यानी जो हमारे थ्योरम्स होती है उनको प्रूव करना। व्यक्तिगत इतिहास विधि, जो हमारी व्यक्तिगत इतिहास विधि है उसके द्वारा क्या होता है, मानसिक रोगों से पीड़ित बालकों की बीमारी का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, व्यक्तिगत इतिहास विधि से मानसिक रोगों से जो पीड़ित बच्चे हैं उनका अध्ययन किया जाता है इसमें। और समाजमती विधि एक बालक के व्यक्तिगत मापन में सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। तो बालक के मापन में जो सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है वो कौन सी है, हमारी समाजमती विधि है।